उधर हरियाणा में लगातार बढ़ रहे अपराध के मामलों पर प्रदेश सरकार आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी में है, जिसके चलते अब डायल 100 के सिस्टम को नए रूप में लागू करने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत पीसीआर की पूरी मूवमेंट ट्रैक होगी, जबकि मित्र कक्ष के जरिए आम लोगों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने की कोशिश रहेगी। हालिया दिनों में दो गैंगरेप के मामलों ने हरियाणा की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ने का मौका दे दिया। इस बीच सियासी विरोधी सरकार को निशाना बना रहे हैं, जबकि पुलिस और प्रशासन कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसके खातिर चंडीगढ़ में हरियाणा के डीजीपी, एडीजीपी और गृह सचिव की बैठक हुई, जिसमें डायल 100 के सिस्टम को लागू करने की रूपरेखा पर चर्चा की गई। एक हम सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम बनाने जा रहे हैं डायल 100 के नाम से, तो उसमें हमारे अधिकारी यूपी का मॉडल और मध्य प्रदेश का मॉडल जो है डायल 100 का देख के आए हैं। अब हरियाणा में क्या मॉडल होगा उसके बारे में चर्चा हुई है, और जल्दी हम हरियाणा के लिए डायल 100 का एक कंट्रोल रूम यहाँ पंचकुला में बनाने जा रहे हैं। टाइम बाकायदा नोट किया जाएगा, कितने बजे कॉल आई, कितनी देर में पीसीआर वहाँ पे पहुँची, बाकायदा उसका टाइम दर्ज किया जाएगा। और इसमें क्योंकि जीपीएस फिटेड सिस्टम है, उस पूरे के पूरे व्हीकल की ट्रैकिंग होगी। इसके अलावा हरियाणा सरकार थाने से संबंधित सिविल सेवाओं को सुगम बनाने के लिए पंजाब की तर्ज पर पुलिस थानों में मित्र कक्ष बनाने की तैयारी में है। जो पंजाब में सांझ केंद्र चल रहे हैं, उसकी तर्ज पे हरियाणा में हर पुलिस स्टेशन में, करीब 300 पुलिस स्टेशन है, उसके हर पुलिस स्टेशन के बाहर एक नागरिकों की सुविधा के लिए एक मित्र कक्ष बनाए जा रहे हैं। उसके बारे में मीटिंग थी और अभी प्रिलिमिनरी मीटिंग है, और इसकी डिटेल्स वगैरह हम तैयार करके सरकार को जल्द भेजेंगे। सिटीजन सेंट्रिक जितनी भी सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज जो हैं वो वहाँ पे अवेलेबल होंगी, और इनको जो मैन करेंगे जो लोग, वो या तो सिविलियन लोग होंगे या पुलिस मैन होंगे, लेकिन उनको एक स्पेशल किस्म की ट्रेनिंग दी जाएगी। डायल 100 का कॉन्सेप्ट एमपी और यूपी के मॉडल की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। चंडीगढ़ से राजन शर्मा, जी मीडिया।